एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें साइंस का एक चैप्टर था कार्बन और उसके यौगिक। हमने सहसंयोजक आबंध के बारे में पढ़ा था। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के यौगिक। बेसिकली यहाँ पर सब दे रखा है संतृप्त और असंतृप्त। पहले इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होते क्या है संतृप्त और असंतृप्त। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्लास टूडे में हमने पढ़ा था सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या पढ़ा था हमने, एच सिंगल बॉन्ड एच, ओ डबल बॉन्ड ओ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये क्या था भाई साहब, सहसंयोजक आबंध था। जहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वहाँ पर कौन सा कार्बन होता है, वहाँ पर होता है संतृप्त कार्बन। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड की संरचना दिखे वहाँ पर है संतृप्त। और अगर आपको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहाँ पर क्या है, असंतृप्त। क्या है प्यारे दोस्तों, असंतृप्त है। तो मैं सिंपल से दो लाइन में मैंने आपको बता दिया है कि संतृप्त क्या है और असंतृप्त क्या है। अभी हम कुछ कार्बन के यौगिक से या फिर असंतृप्त कार्बन के जो एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें यह एग्जाम्पल नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया था संतृप्त क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं। अब मैं, ये तो सिंपल थे, अब मैं यौगिक बताता हूँ। यौगिक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था चैप्टर वन में यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का यौगिक क्या होता है, वो होता है यौगिक। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, ये क्या है, CH4 को हम मेथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेन। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, मेथेन। अब देख इसमें एक कार्बन है, अगर मैं कार्बन बढ़ा दूँ C2 और H6, इसमें एक कार्बन बढ़ाया, अगर एक कार्बन बढ़ाएंगे तो दो हाइड्रोजन को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब C3 कर दूँ तो H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब C4 कर दूँ तो H10 हो जाएगा। C5 कर दूँ तो H12 हो जाएगा। और C6 कर दूँ तो H14 हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर CH4 था, अब मेरे को एक C और ऐड करना है, एक C यहाँ पर और ऐड करना है, तो कैसे करूँगा मैं, तो एक C। अब इसको, इसमें चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको स्टेबल के लिए कार्बन को डबल सी डबल बॉन्ड सी, तो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। यहाँ पर देखिए ये रहा, कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए H6 से, तो H6 कहाँ पर जुड़ेगा, एक H यहाँ पर जुड़ा, एक यहाँ पर, दो जुड़ा, तीन और चार। अभी देखिए कार्बन के पास ये चार जुड़ा, तो C2H4 हो गया, C2H6 हो गया ना। एक मिनट प्यार दोस्त, भाई साहब यहाँ पर संरचना हमने गलत बना दी है। ये C2H4 है ना, ये अलग चीज़ है, C2H4 ये अलग चीज़ है, मैंने बताया ना, ये अलग चीज़ है। हमें C2H6 की संरचना बनवानी थी। क्या बनानी थी प्यारे दोस्तों, C2H6 की जो स्ट्रक्चर। तो भाई साहब वो C2H4 अलग चीज़ है, अभी हम पढ़ रहे हैं C2H6। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए C, उसके बाद में यहाँ पर 3H जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्तों। कैसे जुड़ जाएंगे, 3H जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया अपना C2H6। यहाँ पर देखिए कार्बन को चार की ज़रूरत थी, 1 2 3 4 हो गए। और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन के जो भाई साहब क्या होते हैं, चार ही लास्ट में उसके होते हैं, क्या होते हैं, किसी क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, ये चार हो गए। और चार एक एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था लास्ट, कहाँ गया, लास्ट पेज में, CH4 को मेथेन, इसको बोलेंगे एथेन, C2H6 को मेथेन एथेन, और C इसको बोलेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन या फिर हेक्सेन, इसको याद रखिएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन और हेक्सेन। C2H6 C3H8 और C4H10 C5H12 C6H14, ये मैंने आपको एक जो यहाँ पर सारणी है ये मैंने आपको बता दी है। और इसके स्ट्रक्चर या फिर संरचना कैसे बनानी है वो भी मैंने एग्जांपल के यहाँ पर बता दी थी। और सभी में सिंगल बॉन्ड होंगे क्योंकि ये संतृप्त कार्बन के एग्जांपल है। संतृप्त कार्बन के एग्जांपल कौन कौन से है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। यानी यहाँ पर एन आता ही आपको समझ जाना है कि ये कौन सा है, एन लिखा हुआ आ रहा है, इस मीन्स ये क्या है, एन लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है संतृप्त कार्बन का एग्जाम्पल है। जहाँ पर एन लिखा हुआ आ जाए वहाँ पर संतृप्त कार्बन है प्यारे दोस्तों। तो चलिए
मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ और एग्जांपल्स। तो चलिए फिर दोस्तों, एक आपके एग्जांपल दे रखा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन का जो चित्र होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है ऐसी होता है, कैसा होता है ऐसा होता है, और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ऐसा कैसा होता है ऐसा होता है, जिसमें बीच में वले होती है वो होता है बेंजीन। क्या होता है प्यारे दोस्तों? बेंजीन। याद रखिएगा, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है, पहले बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, यह है बेंजीन का फॉर्मूला। और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है प्यारे दोस्तों? C6H10। क्या है? C6H10। यह है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। साइक्लोहेक्सेन और इसके स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसा है ये यहाँ पर है, इसके कॉर्नर में आपको C को लेके आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर में C लेके आए, हर कॉर्नर में आपको C लेके आ जाना है। ये देखिए, ये हो गई साइक्लोहेक्सेन। अभी देखिए कार्बन को यहाँ पर कितने बाकी हैं, जितना H जोड़ देना है। देखिए कितना होगा कार्बन का, 1, 2, 3, यहाँ पर एक H और आ जाएगा, तो कार्बन के 4 कंप्लीट हो जाएगी। हर कार्बन के पास 2-2 H जोड़ देना है ताकि इसकी संयोजकता है वो पूरी हो जाए। और आपको पता है जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, और 4-4 आपको 2-2 हर कार्बन के पास में जोड़ देना है ताकि कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाए और उसके अष्टक के नियम से वो एकदम फुल्ली कंप्लीट हो जाए। अभी एक बेंजीन, बेंजीन कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। सेम इसी तरह इसमें क्या है, वले है, और वले का क्या रोल है मैं आपको बता देता हूँ कि वैसा वले क्या है। वले का मतलब है एक छोड़कर एक आपको डबल बॉन्ड बनाना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ एक छोड़ देना, यहाँ पर बना देना और एक छोड़ देना। तो यहाँ पर जो ये है ये हो गया। देखिए यहाँ पर कार्बन में कितना बाकी है, हर एक पर एक ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक आपको सी जोड़ देना है ताकि कार्बन की जो संयोजकता है या फिर अष्टक है वो पूरा हो जाए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C6H6, यहाँ पर C6H10 साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर बेंजीन की संरचना है मैंने आपको बनाकर बता दी है। और जो भाई साहब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए वहाँ पर कौन सा कार्बन है? असंतृप्त कार्बन है प्यारे दोस्तों। जहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए वहाँ पर असंतृप्त कार्बन है। असंतृप्त कार्बन का एग्जाम्पल कौन सा है? बेंजीन है प्यारे दोस्तों। कौन सा है? बेंजीन है। इसी के साथ में असंतृप्त कार्बन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको बताऊँगा प्यारे दोस्तों। वैसे के लिए आपके जो बुक है उसमें असंतृप्त कार्बन का एग्जाम्पल बेंजीन दे रखा है। बेंजीन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं, ऐसे आपको षटकोण बनाना है और बीच में आपको वले बना देनी है, और इसका फॉर्मूला C6H6 है, ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजीन, और बीच में वले होगी। अगर वले नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H10। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखे वहाँ पर संतृप्त कार्बन, संतृप्त कार्बन के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और यही थे, और साइक्लोहेक्सेन ये भी एक, और असंतृप्त कार्बन के बेंजीन, असंतृप्त कार्बन के बेंजीन, जहाँ पर डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पर कौन सा? असंतृप्त कार्बन। चलिए प्यारे दोस्तों आगे कुछ क्रियात्मक समूह है। अब भाई साहब क्रियात्मक समूह क्या है आपको याद रखना होंगे। क्रियात्मक समूह एक विशिष्ट प्रकार के भाई साहब प्रजाति होती हैं या फिर विशिष्ट प्रकार के यौगिक होते हैं, विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए हेलो क्रियात्मक समूह है। हेलो में भाई साहब देखिए क्या होगा, ये जो भाई साहब है ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापी होती है, हेलो, ठीक है। एक होता है एल्कोहल, एल्कोहल का भाई साहब जो क्रियात्मक समूह है उसका फॉर्मूला है OH, और एल्डिहाइड का है CHO। इसके बाद में कीटोन का है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सैलिक अम्ल का है COOH। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये देखिए OH है, यह है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह का फॉर्मूला एल्कोहल, और CHO है तो है ये है आपके एल्डिहाइड, CO है, C डबल बॉन्ड O है तो ये है कीटोन। कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीरोटोन। और C डबल बॉन्ड OH है, यह है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये चीज़ आपको काफ़ी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप टेंथ के बाद में प्यारे दोस्तों, अगर आप टेंथ के बाद में इलेवंथ या फिर ट्वेल्थ करोगे, अगर आपने साइंस लोगे, ये केमिस्ट्री में आपको काफ़ी दिक्कत देने वाले हैं, क्योंकि
क्रियात्मक समूह इतने ही नहीं होते, बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह की एक स्पेशल सारणी भी होती है। तो आपको सिंपली आपके बुक में जो दे रखा है क्रियात्मक समूह, एक तो है हेलो। हेलो में कौन कौन सा है? सिंगल बॉन्ड CL हो गया, BR हो गया, ये क्या है? ये हेलो समूह है। OH होगा, ये है आपका एल्कोहल का समूह। कौन सा है? एल्कोहल का समूह। COOH है तो है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। और सी डबल बॉन्ड O है, ये है कीटोन। कौन सा ऑन? कीटोन। और CHO है तो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह का मतलब है जैसे कि यहाँ पर मैं COH है, यहाँ पर मैं CH3OH लगा दूँ तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? CH3OH। यह मेथनॉल है। कौन सा ऑल है? मेथनॉल। मेथनॉल एक विशिष्ट प्रकार की शराब होती है। एक होता है C2H5OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल। जैसे यहाँ पर मेथ और एथ है, यहाँ पर ऑल लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑल लगा दिया। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ पर एन लगाया था ना, यहाँ पर ऑल है। इसका जो बीच नाम क्या लगेगा? ऑल लगेगा। तो मेथेनॉल क्या होता है? ये कच्ची शराब होती है, ये पक्की शराब होती है। कच्ची शराब पीने से व्यक्ति की मौत हो जाती है और पक्की शराब जो होती है उससे व्यक्ति की मौत नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको क्रियात्मक समूह के बारे में इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।